मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स जिसको हम एमसीयू के नाम से भी जानते हैं, जो कि मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी प्लस के कंट्रीब्यूशन के साथ बनाया गया एक सिनेमेटिक यूनिवर्स है, जिसके अंतर्गत कई सारी मूवीज, वेब सीरीज एंड शोज आते हैं। और शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको मार्वल के किसी भी शो के बारे में ना पता हो। और मार्वल के सभी शोज या फिर टीवी सीरीज, मूवीज कॉमिक बुक से हैवीली इंस्पायर्ड होते हैं, या फिर यूं कह लूं कॉमिक बुक्स पर बेस ही होते हैं। और कॉमिक बुक्स पर इतना ज्यादा बेस होने के बावजूद भी मार्वल ने अपने मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली मूवीज में कुछ बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, जिसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसा कि किसी इवेंट को बेहतर बनाने के लिए, किसी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, या फिर मूवी के प्लॉट को अच्छे से समझाने के लिए एंड कैरेक्टर के बेस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मार्वल ने चेंजेस करे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको कॉमिक बुक से इंस्पायर होने के बावजूद भी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में कुछ और दिखाया गया है, जबकि कॉमिक्स में कुछ और ही थे। तो चलिए बात करता हूं उन कैरेक्टर्स के बारे में। नंबर 1, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। अब देखो भाई साहब, एमसीयू में हमें दिखाया गया है कि ड्रैक्स अपनी वाइफ और बच्चों का बदला लेने के लिए गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करता है। यहां पर कॉमिक्स में भी इसका हालत सेम ही है, लेकिन मार्वल ने एमसीयू के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो ये है कि एमसीयू के अंदर हमें दिखाया जाता है ड्रैक्स एक एलियन है जिसकी वाइफ और बच्चों को थानोस ने मार दिया था, और उसी का रिवेंज लेने के लिए वो गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करता है। लेकिन कॉमिक्स में ओरिजिनली ड्रैक्स एक ह्यूमन ही होता है, जो कि जब थानोस अर्थ पर इन्वेड करता है तब उसे हमले में उसके बेबी और बच्चे मर जाते हैं। यहां पर ड्रैक्स तो बच जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक ह्यूमनॉइड बन जाता है, जिसके बाद वो गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करता है, और उसके बाद थानोस को अकेले ही मारकर अपनी वाइफ और बच्चों की मौत का बदला लेता है। कॉमिक्स में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जहां पर इसका नाम भी होता आर्थर डगलस, लेकिन एमसीयू के अंदर इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और उसकी पावर्स भी कम कर दी गई है। नंबर 2, थॉर स्टॉर्म ब्रेकर। वेल, हम सभी जानते हैं कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके अपने आप को कितना ज्यादा पावरफुल बना लेता है, जहां पर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करते टाइम वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, जो कि यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी ओवर पावर कर दिया था और थानोस की छाती को चीर कर रख दिया था। जहां पर एमसीयू में ये दिखाया गया है कि थॉर ही स्टॉर्म ब्रेकर का ओरिजिनल ओनर है, पर कॉमिक्स में सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि कॉमिक बुक में स्टॉर्म ब्रेकर का ओरिजिनल मालिक होता है बीटा रेबिल, जो कि थॉर की तरह ही एक एलियन स्पीसीज से बिलोंग करता है, जो कि थॉर से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि थॉर को 1v1 में फाइट करके आसानी से हरा देता है, जिसके बाद ओडिन ही खुश होकर उसे ये वेपन देते हैं। और एमसीयू के अंदर थॉर खुद ही नेडाविलर जाता है इस स्टॉर्म ब्रेकर को बनवाने के लिए, जहां पर इत्री उसे बताता भी कि ये एसगार्ड के किंग का मोस्ट पावरफुल वेपन है। जहां पर एमसीयू में सबसे बड़ा चेंज यही कर दिया गया है कि बीटा रेबिल का वेपन ना बताकर इसको सीधे सीधे थॉर का वेपन बता दिया गया है। नंबर 3, हेला इज ओडिन्स डॉटर। हम सभी जानते हैं कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत दिखाया गया है कि हेला ऑल फादर ओडिन की बेटी है, जो कि थॉर और लोकी की बड़ी बहन है, जो कि थॉर और लोकी से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसने ओडिन के साथ मिलकर 9 रिम्स को कॉन्कर किया था। बट कॉमिक्स में सिचुएशन अलग थी, जहां पर कॉमिक्स में हेला ओडिन की नहीं बल्कि लोकी की बेटी होती है, एंड उसका जन्म भी योटनहाइम पर ही होता है। पर मूवी की तरह ही कॉमिक्स में भी उसकी पावर सेम लेवल की दिखाई गई है, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसकी मैजिक करने का तरीका एंड पावर्स को यूज करने का भी तरीका एकदम सेम ही है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो कि मार्वल ने अपने सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली मूवीज में किया था, जो कि कॉमिक बेस्ड तो है लेकिन मार्वल ने उस पर चेंजेस करे हैं। बाकी इसके अलावा कई और सारी चीजें हैं जो कि मार्वल ने कॉमिक बुक से इंस्पायर होते हुए भी एमसीयू के अंदर चेंज करी है। अगर तुम वो भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पर एक सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो पे, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।